नमस्कार, आप देख रहे हैं टहलका डॉट न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। आज हमें कैसे सामाजिक मुद्दे की बात करने जाए जिस पर बात करना बेहद जरूरी हो गया। देश के अंदर युवाओं में बढ़ती जुए और शराब की लत को रोकने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अब से अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जुआ खेलता हुआ पकड़ा जाता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। राजस्थान के गृह विभाग के विधेयक को कैबिनेट ने सर्कुलेशन के थ्रू मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के अनुसार अब से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अगर जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है तो आपराधिक श्रेणी में आएगा। अब से जितने भी ऑनलाइन जो गेमिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन बेटिंग की जाती है, ऑनलाइन जुआ खेला जाता है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि क्रिकेट लीग को लेके या फिर रमी या कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो प्ले ऑनलाइन कैसीनो है, इस तरह की तमाम वेबसाइट्स हैं और एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन जुआ खेल सकते हो। अगर किसी भी एप्लीकेशन पर आप जुआ खेलते हुए ऑनलाइन बैटिंग खेलते हुए पकड़े जाते हो तो राजस्थान सरकार इसको लेके काफ़ी सख्त है और आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है और जो भी कानूनी अपराध की श्रेणी की जो धारा है आप पर लगाई जा सकती है। तो राजस्थान सरकार का सख्त आदेश हो चुका है, ऑनलाइन बैटिंग को बैन कर दिया गया राजस्थान के अंदर। तो इन सब बातों का आपको अब से ध्यान रखना होगा। जो ऑनलाइन आपको जुआ खिलाता है वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म अब से अब आपराधिक श्रेणी में आएंगे और ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति अगर जुआ खेलता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।